नमस्कार, अब हम करने वाले हैं गर्भासन। गर्भासन का अर्थ है कि जिस तरह से भ्रूण अपनी माँ के कोख में रहता है, हम उस तरह से इस आसन के द्वारा आकृति बनाते हैं, इस आसन को करते हैं। इसके क्या लाभ हैं गुरु जी? तो अब हम लोग इसके लाभ जान लेते हैं, उसके बाद इसकी फिर हम लोग विधि करते हैं। तो गर्भासन से क्या होता है, आपके पैरों की मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है, हाथों की मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है, उसके बाद आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि आपका भार पूरा जो है इसमें संतुलन बनता है। जब तक आपकी कोर की स्ट्रेंथ नहीं होगी, आप संतुलन वाले आसन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो जब गर्भ में बच्चा रहता है, वो ही आकृति आपके शरीर की बनेगी। तो यहाँ पर आप जब विधि हम करके दिखाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये है गर्भासन। तो चलिए इसकी विधि जानते हैं फटाफट। तो इस तरीके से सबसे पहले पद्मासन लगाना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप स्वयं गर्भासन का अभ्यास नहीं कर सकते। आप पिडली और जगह के मध्य से हाथ को बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से, और पहले कान को इस तरीके से एक कान को छुप के देखा, इसी तरीके से आपको दूसरे कान को छुप के देखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग होल्ड करेंगे, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं गर्भासन। धीरे धीरे वापस आए, तो आपने देखा जैसे बच्चा गर्भ में इसी पोजीशन में रहता है, वैसे ही हमने आपको शरीर की आकृति बना के दिखाई। इसमें सावधानी ये रखें, जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो लोग इसका अभ्यास ना करें, या पैरों में सूजन हो, दर्द हो, उस समय इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।